Yes, good morning everyone. I am Rashmi Kapoor from Lial Public School. So now student, today we are going to start our very first chapter of moral values. The name of this chapter is Thank You God. Now student, this is a prayer in which we express our gratitude to the God by thanking him for all his blessings. Okay student, now let's start. Thank you God for giving me life to see this world and enjoy my life. Help me to do the right things in my life. So now the student in this stanza, yes, you know very well this is a prayer. So you have to gratitude towards the God. We have to thankful. The poet is thankful to the God. The poet express his show his gratitude towards the God. And he says, thank you God for giving me life. Life means जीवन. वो God को thank you करना चाह रहा है क्योंकि जो God है उन्होंने उनको क्या दिया है, जीवन दिया है. To see this world, so he can see this world and enjoy my life, or he can enjoy his life. Help me to do the right thing in my life. तो वो कहना चाह रहा है कि वो हम वो हमेशा मेरी help करता है, सहायता करता है. To do the right thing in my life, जो मेरे जीवन में जो सही चीज हो उसके लिए वो मेरी सहायता करता है. Okay student, so कहता है कि मुझे जीवन देने के लिए भगवान का क्या करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं. इस दुनिया को देखने और अपने जीवन का आनंद लेने के लिए तथा मुझे अपने जीवन में सही काम करने में मदद करते हैं. सो ही एंड द पोएट ऑलवेज थैंकफुल टू द गॉड. नाउ नेक्स्ट लाइंस, नेक्स्ट स्टैंजा. थैंक यू गॉड फॉर दीज ब्यूटिफुल आईज दैट कैन सी अ फ्लावर इन ब्लूम एंड कैन एंजॉय द ट्रीज डांसिंग इन जून. सो नाउ द पोएट से दैट द ही थैंक यू गॉड फॉर दीज ब्यूटिफुल आईज. सो गॉड को थैंक यू कर रहा है कि उन्होंने जो गॉड ने उनको क्या दी है, ब्यूटिफुल आईज दी है. दैट कैन सी अ फ्लावर इन ब्लूम, तो वो क्या कर सकते हैं, जो फ्लावर हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो ब्लूम होते हैं वो उनको देख सकते हैं. एंड कैन एंजॉय द ट्रीज डांसिंग इन जून एंड ही कैन एंजॉय द ट्रीज, मतलब जो भी ट्रीज हैं जो डांसिंग कर रहे हैं जून में, उनको क्या कर सकते हैं, उसका वो आनंद ले सकते हैं फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल आईज. सो ही थैंक यू गॉड फॉर दीज ब्यूटिफुल आईज. सो पोएट कह रहे हैं कि इन खूबसूरत आंखों के लिए वो भगवान का क्या करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है कि वो एक जो फूल है वो खिलते हैं तो वो खिलते हुए फूलों को देख सकता है और जो पेड़ों को जूम में नाचते हुए देख सकता है. सो ही ऑलवेज थैंक यू गॉड. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. थैंक यू गॉड फॉर दीज पेयर ऑफ इयर्स दैट कैन हियर द मेलोडी ऑफ बर्ड्स एंड स्प्लैशेस ऑफ पॉन्ड्स एंड रिवर्स. सो नाउ इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज दैट ही ऑलवेज सेज द थैंक यू गॉड. नाउ ही saying that the thank you God for these pair of ears, कि हम ears की बात करते हैं कि जो हमको दो pairs of ears का मतलब कि जो हमको दो कान दिए हैं, that can hear the melody of birds, जिसकी वजह से that the poet can hear the melody of birds, तो जो poet है वो birds की जो आवाज है उनको सुन सकता है. and splashes of ponds and rivers, जो ponds and जो rivers में जो क्या होता है, पानी होता है student. so here we use as a word splashes means as हम we can say एज ए पानी का जो पानी के अंदर व्हेन वी फेल पेबल इनटू वाटर वी कैन लिसन अ वॉइस फ्रॉम दिस. सो हियर वी यूज एज ए वर्ड स्प्लैशेस. सो हियर थैंक यू गॉड फॉर दिस पेयर ऑफ इयर्स. वो थैंक यू कर रहे हैं अब गॉड के लिए, किसके लिए कर रहे हैं कि उन्होंने उनको दो कान दिए हैं जिसकी वजह से जो बर्ड्स की जो आवाज है, वो जो पक्षियों की जो आवाज है, वो धुन है, वो सुन सकते हैं. और जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, उनमें जो भी आवाज आती है उनकी, जो उनके जो छूटे हैं. और स्प्लैशेस मीन्स ऑल्सो वी कैन से एज अ स्प्रिंकल, हम जो उनकी जो आवाज है वो उनको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. थैंक यू गॉड फॉर द ब्यूटिफुल पीपल around and वो कहते हैं कि आपके चारों तरफ जो भी पीपल हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए वो गॉड को थैंक यू करना चाहते हैं. नाउ माय पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी, हेल्पिंग मी एंड मेकिंग माय लाइफ हैप्पी.
So now the poet says that in this stanza, he always thanked to God for the beautiful person around us, just as much as the parents, teacher and relatives and friends. So now they protecting him, वो उनको protect करते हैं, helping him, उनकी सहायता करते हैं and making his life happy. और वो उनकी जो life है वो क्या करते हैं, happy और खुशहाल बनाते हैं. Okay student, so now thank you God for everything. The poet expressed his gratitude, okay, towards the gods, that he always thank you God for everything. जो भगवान ने हमको जितनी भी चीजें दी हैं उसके लिए हमको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए. So this is a prayer not for a poet. This is prayer for all of us that we have to thank you God for everything. हमको भगवान को अपने तरफ से सभी चीजों के लिए as a gods as give us a lovely parents, teachers and give us our relatives and friends and they protect him, help us and make our life happy. So that's why we have to thank you God. Okay students, so I hope you have understood this poem and this prayer. Now next is here as a question answer of this chapter. So today we will discuss the a part, yes or no. Okay student, now God is everywhere. Kya God sabhi jagah hai? Yes, God is everywhere. Now number second is here, God help us to do the right things. Yes, God hamari sahayata karta hai sahi cheezon ke liye. Number third is here, prayer give us wealth. Jab hum prarthna karte hai to humko wealth deti? No, as when we prayer, jab hum prayer karte hai to and the God give us blessing. Wo humko kya dete hai? Aashirwad dete hai. Okay, now from this blessing we get the wealth. Okay, number fourth, prayers help us to remember God. Prayers humko help karti, sahayata karti hai God ko yaad karne ke liye. Yes. Number fifth, we call God by different names. हम God को अलग अलग नामों से पहचानते हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं हमने God के. Yes. Okay student, so now this is all about your chapter. Okay student, read it two or three times. Okay.